जय शनिदेव मित्रों, मैं सचिन शर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और शनिदेव से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करें। मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों का सपोर्ट मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा और मैं आप लोगों के लिए अपनी पूरी मेहनत से हर महीने का राशिफल बनाता रहूँगा। देखिए, आप लोग यदि मुझसे क्वेश्चन अर्थात प्रश्न पूछना चाहते हैं और यदि आप किसी कारणवश फीस देने के इच्छुक नहीं हैं या फीस नहीं दे पा रहे हैं तो आप मेरी वेबसाइट, जैसा आप देख रहे हैं, जो है astrologyforum.net, इस पर आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। परंतु आपको वही प्रश्न मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछना होगा और सेम प्रश्न का रेफरेंस आपको मेरी वेबसाइट पर भी देना होगा। इसका आप विशेष ध्यान रखिए, अर्थात आपको दोनों जगह सेम प्रश्न पूछना है और जब आप मेरी वेबसाइट पर वो प्रश्न पूछेंगे तब आपको उस प्रश्न का रेफरेंस देना होगा कि आपने मेरे किस वीडियो में ये प्रश्न पूछा है। मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, हो सकता है उसमें थोड़ा विलंब क्यों ना हो जाए, परंतु मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। हम इस वीडियो में सिर्फ मीन लगन के जातकों के लिए नवंबर 2020 कैसा रहेगा सिर्फ उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, इस वीडियो के अलग अलग सेक्शन में हम चर्चा करेंगे आपके कैरियर संबंधित नवंबर का महीना कैसा रहेगा, आपके फाइनेंस संबंधित नवंबर का महीना कैसा रहेगा, आपके रोमांस अर्थात प्रेम संबंधित नवंबर का महीना कैसा रहेगा, आपके फैमिली संबंधित नवंबर का महीना कैसा रहेगा, आपके स्वास्थ्य संबंधित नवंबर का महीना कैसा रहेगा, और अंत में हम चर्चा करेंगे उन महत्वपूर्ण उपायों की जिन्हें करने से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में 12 नंबर लिखा है और उसके साथ उसी भाव में LA लिखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और यदि आप अपनी कुंडली हिंदी में देख रहे हैं तो प्रथम भाव में LA के स्थान पर हिंदी में ल लिखा होगा, तो ये मासिक राशिफल नवंबर 2020 आपके लिए है। बाकी सभी लग्न के लिए आप मेरे दूसरे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन लग्न के जातकों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए, सर्वप्रथम हम बात करेंगे आपके कैरियर और व्यवसाय संबंधित नवंबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए, 1 से 15 नवंबर तक का समय आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार दिखेगी जैसा आप देख रहे हैं। देखिए, मंगलदेव आपकी कुंडली के लग्न भाव में वर्तमान गोचर में है, तो यहाँ आप में बहुत ऊर्जा महसूस होगी, आपको बहुत अधिक ऊर्जा महसूस होगी, आपका आत्मबल बहुत अधिक बढ़ेगा। आपको यहाँ अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा, क्योंकि यदि आप पार्टनरशिप बिजनेस में हैं तो यहाँ आपको अपने पार्टनर्स के साथ बहुत अधिक तनाव बढ़ने की संभावना बनी हुई है। आपका अपनी पार्टनरशिप बिजनेस को लेकर यहाँ मानसिक तनाव बढ़ सकता है। देखिए, राहु की दृष्टि आपकी कुंडली के नवम भाव पर है, तो यहाँ उन लोगों को कुछ लाभ मिलता दिखाई देगा जो लोग किसी भी तरह के सामाजिक कार्य से जुड़े हैं, जो लोग धार्मिक गुरु हैं, जो लोग धार्मिक कार्य से जुड़े हैं, जो लोग अपना NGO चला रहे हैं, तो उन्हें कहीं से फंडिंग मिलने की संभावना बनी हुई है। जो लोग धर्म प्रचारक भी हैं, ऐसे जातकों को यहाँ केतु के नवम भाव से भी लाभ मिलता दिखाई देगा। देखिए, गुरु आपकी कुंडली के लग्नेश हैं और कर्म भाव के स्वामी हैं और वर्तमान गोचर में कर्म भाव में है, तो यहाँ ऐसे जातकों को शुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जो लोग एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, जो लोग किसी प्रकार के सामाजिक कार्य से जुड़े हैं, जो लोग IT सेक्टर से जुड़े हैं, ऐसे जातकों को यहाँ शुभ परिणाम गुरु के इस गोचर से मिलने की संभावना बनी हुई है। देखिए, वर्तमान समय में सूर्य और बुध आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है, तो यहाँ आपको किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी अपने कार्य को लेकर बन सकती है, इसका आप विशेष ध्यान रखिए। देखिए, 16 से 20 नवंबर तक आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार दिखेगी जैसा आप देख रहे हैं। देखिए, यहाँ सूर्यदेव आपकी कुंडली के नवम भाव में जा रहे हैं, जहाँ केतुदेव हैं। देखिए, इस महीने का ये राशि परिवर्तन नकारात्मक परिणाम आपको दे सकता है। वो क्या नकारात्मक परिणाम होंगे, आइए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, केतु और सूर्य की युति आपके भाग्य भाव में ग्रहण दोष का निर्माण कर रही है, तो देखिए यहाँ आपको आपका भाग्य साथ देता नहीं दिखाई देगा। इट विल इम्पैक्ट योर डिसीजन मेकिंग पावर, अर्थात ये आपके निर्णय लेने की शक्ति को कमजोर कर सकता है। आप यदि कोई नया कार्य करना चाहते हैं तो आप में वो करेज नहीं बनेगा जिससे आप अपने कार्य को आगे बढ़ा पाए, इसका आप विशेष ध्यान रखिए। देखिए, यदि आपका कोई सरकारी नौकरी के लिए कोई इंटरव्यू है तो यहाँ आपको उसमें बाधा उत्पन्न होती दिखाई देगी।
उसमें आपको सकारात्मक परिणाम यहाँ नहीं मिल पाएंगे। इसका आप विशेष ध्यान रखिए। आप यहाँ कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो आपको लगे कि यदि आपका भाग्य साथ देगा तो आपकी किस्मत बदल जाएगी, अन्यथा ये समय आपको बहुत अधिक मानसिक परेशानी में डाल सकता है। इसका आपने ध्यान रखना है। आपको क्या उपाय इस ग्रहण दोष के करने हैं, मैंने उपाय सेक्शन में बताए हैं, आप वो अवश्य कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। देखिए 20 से 25 नवंबर तक आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार दिखेगी जैसा आप देख रहे हैं। यहाँ गुरु अपनी राशि छोड़कर आपकी कुंडली के दशम भाव से आपकी कुंडली के 11वें भाव में अर्थात आपकी कुंडली के लाभ भाव में जा रहे हैं। देखिए गुरु का ये राशि परिवर्तन इस महीने का सबसे महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है। इसका आपके कैरियर पर, आपके व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए दो बड़े ग्रहों का लाभ भाव में होना ये दर्शाता है कि आप यदि किसी भी प्रकार का कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट यहाँ स्टार्ट करते हैं तो वो यहाँ आपको लंबे समय के लिए शुभ परिणाम अर्थात पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकता है। आपको इसका लंबे समय तक लाभ मिलता रहेगा। देखिए यहाँ उन जातकों को अधिक लाभ मिलता दिखाई देगा जो लोग धर्म के कार्य से जुड़े हैं, जो लोग किसी प्रकार से धार्मिक स्थलों से संबंधित किसी प्रकार का कार्य करते हैं, जो लोग धार्मिक गुरु हैं, जो लोग धर्म प्रचारक हैं, जो लोग एजुकेशन के कार्य से जुड़े हैं, जो लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के कार्य से जुड़े हैं, जो लोग आटा दाल चावल के कार्य से जुड़े हैं, जो लोग फार्मिंग से भी जुड़े हैं, ऐसे जातकों को यहाँ लाभ मिलता दिखाई देगा। देखिए यहाँ से गुरु की दृष्टि आपकी कुंडली के तीसरे भाव, पंचम भाव और सप्तम भाव पर है, तो यहाँ यदि आपका पार्टनरशिप बिजनेस को लेकर थोड़ा तनाव चल रहा है तो वो गुरु के इस गोचर के कारण समाप्त होता दिखाई देगा। आपको जो मानसिक परेशानी अपने पार्टनरशिप बिजनेस को लेकर बनी हुई थी वो यहाँ थोड़ी कम होती दिखाई देगी। गुरु यहाँ राहु के नकारात्मक प्रभावों को भी कम करता दिखाई देंगे। देखिए 25 नवंबर के बाद आपकी कुंडली को जिस प्रकार दिखेगी जैसा आप देख रहे हैं। देखिए बुध यहाँ आपकी कुंडली के अष्टम भाव को छोड़कर कुंडली के नवम भाव में जा रहे हैं जहाँ सूर्य और केतु की युति है, तो यहाँ आपकी सोच बहुत अधिक भ्रमित हो सकती है। आप यहाँ कुछ ऐसा डिसीजन अपने कार्य को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर ले सकते हैं जिसके कारण आपकी मानसिक परेशानी बहुत अधिक बढ़ सकती है। आप अपने कार्य संबंधित किसी भी प्रकार का कोई बड़ा डिसीजन, कोई बड़ा निर्णय तब तक ना लें जब तक कि सूर्यदेव और केतु का ग्रहण दोष आपकी कुंडली के नवम भाव में है। इसका आपने बहुत अधिक विशेष ध्यान रखना है। तो ये था आपके कैरियर और व्यवसाय संबंधित नवंबर का महीना कैसा रहेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके स्वास्थ्य संबंधित नवंबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए 15 नवंबर तक का समय आपके स्वास्थ्य को लेकर ठीक समय नहीं है। आपको यदि अपने पेट के निचले हिस्से से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है तो वो यहाँ बहुत अधिक बढ़ सकती है। आपको इस समय उससे बहुत अधिक समस्या यहाँ बन सकती है, इसका आपने विशेष ध्यान रखना है। देखिए फीमेल्स हु आर प्रेग्नेंट अर्थात जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको 15 नवंबर तक बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। देखिए आप 12 से 16 नवंबर और 21 से 23 नवंबर के बीच आपको बहुत अधिक बेचैनी महसूस हो सकती है। आपका मानसिक तनाव भी यहाँ बहुत अधिक बढ़ सकता है। आपको यहाँ आंतों से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी होने की संभावना बहुत अधिक बनी हुई है, इसका आपने विशेष ध्यान रखना है। तो ये था आपके स्वास्थ्य संबंधित नवंबर का महीना कैसा रहेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके फाइनेंस और वित्त संबंधित नवंबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए 20 नवंबर के बाद का समय आपको अपने फाइनेंसेस को लेकर जो टेंशन बनी हुई थी वो यहाँ थोड़ी कम होती दिखाई देगी। आपको यहाँ जो तनाव अपने सेविंग्स को लेकर बना हुआ था वो यहाँ कम होता दिखाई देगा। देखिए आप 14 से 17 नवंबर के बीच कहीं भी किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट अर्थात निवेश ना करें, आपको नुकसान हो सकता है। इस समय आपके खर्चों में भी बहुत अधिक वृद्धि होने की संभावना बनी हुई है। तो ये था आपके फाइनेंस और वित्त संबंधित नवंबर का महीना कैसा रहेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके रोमांस और प्रेम संबंधित नवंबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए जो लोग सिंगल हैं वो 11 से 13 नवंबर के बीच किसी प्रकार के प्रेम संबंध में यहाँ पढ़ सकते हैं। आप किसी प्रकार के रिलेशनशिप में यहाँ पढ़ सकते हैं। देखिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनको 20 नवंबर तक का समय थोड़ा सावधान रहना होगा। आपको यहाँ अपने रिलेशनशिप को लेकर एक मानसिक परेशानी बहुत अधिक बढ़ सकती है। 20 नवंबर के बाद का समय आपके रिलेशनशिप में यदि किसी प्रकार का तनाव बना हुआ था वो यहाँ कम होता दिखाई देगा।
तो ये था आपके रोमांस संबंधित नवंबर का महीना कैसा रहेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके परिवार संबंधित नवंबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए 20 नवंबर तक का समय आपके पारिवारिक जीवन के लिए तनावपूर्ण रहेगा। यू विल लूज योर टेम्पर वेरी क्विकली, अर्थात आपको यहाँ बहुत जल्दी क्रोध आने की संभावना बनी हुई है। आप अपने क्रोध पर थोड़ा काबू रखें, अदरवाइज ये आपके रिश्तों में बहुत अधिक तनाव उत्पन्न कर सकता है, इसका आप विशेष ध्यान रखिए। देखिए ये समय आपका आपके छोटे भाई बहनों के साथ भी तनाव बहुत अधिक बढ़ा सकता है। ये तनाव आपकी प्रॉपर्टी को लेकर, आपके माता पिता को लेकर भी हो सकता है, इसका आपने ध्यान रखना है। देखिए 16 नवंबर के बाद आपका आपके पिता के साथ तनाव बहुत अधिक बढ़ने की संभावना बनी हुई है, और यहाँ आपकी यदि पूर्वजों की प्रॉपर्टी को लेकर कोई तनाव चल रहा है तो वो यहाँ बहुत अधिक बढ़ सकता है, इसका आप विशेष ध्यान रखिए। तो ये था आपके परिवार संबंधित नवंबर का महीना कैसा रहेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उन महत्वपूर्ण उपायों की जिन्हें करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। देखिए जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी कुंडली में सूर्य शुक्र और शनिदेव मारक ग्रह हैं, तो आप इसका विशेष ध्यान रखिए कि शनि यदि कुंडली में मारक होते हैं तो जातक को अपनी मेहनत के अनुसार फल नहीं मिल पाता और आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है, आप बहुत परेशान रहते हैं, आपको वो उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। और सूर्यदेव यदि आपकी कुंडली में मारक हैं तो आपकी प्रतिष्ठा को हानि हो सकती है, आपको अपने कार्य में जो अथॉरिटी मिलनी चाहिए वो प्राप्त होने में आपको बहुत कठिनाइयां हो सकती हैं, इसका आप विशेष ध्यान रखिए। और आप लोग शनि शुक्र और सूर्य के उपाय अपने जीवन में सदैव करते रहिए। यदि आप शनिवार के दिन किसी सफाई कर्मचारी को कुछ पैसों का दान करते हैं तो आपको लिए ये शुभ फलदायी होगा। आपको सिक्कों का दान करना है, कागज के नोटों का दान नहीं करना। देखिए आप 25 नवंबर को सुबह 6:50 से 5:24 के बीच किसी सफाई कर्मचारी को अथवा शनिदेव के मंदिर में 2 मीटर काले कपड़े का दान अवश्य कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। आपको शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, जो है ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप आप रोज सुबह 108 बार करें। देखिए इस महीने सूर्य और केतु द्वारा ग्रहण दोष का निर्माण आपकी कुंडली में होने जा रहा है, उसके लिए आप 27 नवंबर को 6:55 से 5:20 के बीच काले कंबल का दान किसी गरीब को करें। देखिए आप रोज सुबह स्नान करने के पश्चात सूर्यदेव के बीज मंत्र का जाप भी रोज 108 बार करें, जो है ओम राम रीम रोम से सूर्य नमः। देखिए जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा देसी गुड़ रोज खाएं, और गुड़ खाने के पश्चात आप थोड़ा पानी पिएं, इससे आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ेगी, अर्थात आपकी पढ़ाई करने में जो फोकस है वो आपका इंक्रीज होगा। देखिए जिन जातकों का विवाह नहीं हो पा रहा है उनको 13 नवंबर और 27 नवंबर को प्रदोष व्रत करना है। उस दिन आप सूर्य उदय होने से पूर्व उठे, स्नान कीजिए, शिव मंदिर जाइए और वहां बैठकर 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आप कीजिए। आप इस दिन शिव चालीसा पढ़ें और छोटी कन्या को भोजन खिलाएं, इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और विवाह में जो भी अड़चने आप फेस करें वो आपकी दूर होती दिखाई देंगी। तो ये थे वो महत्वपूर्ण उपाय जिन्हें करने से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो ये था मीन लगन के जातकों के लिए नवंबर 2020 कैसा रहेगा। शनिदेव आप सभी लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखें। धन्यवाद।